आप सभी आदरणीय दर्शक बिंदु का पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन चैनल आनी प्रो पर, और मैं आपका मित्र दोस्त साथी हार्दिक। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो दिल्ली राजधानी क्षेत्र के या तो पिन कोड 81 पे होता है या 86 पे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी होती है जो मेरे कस्टमर है वो जो कुछ प्रॉपर्टी होती है जो मेरे कस्टमर मुझसे परचेज करते हैं और उनको वहाँ सेल करना होता है, तो वो डायरेक्ट कस्टमर की प्रॉपर्टी होती है। उसका भी वीडियो मैं डालता रहता हूँ, क्योंकि जब वहाँ का बिकेगा तो मेरे पास पेमेंट जल्दी हो जाएगी, तो इस तरीके से उनकी मैं मदद भी करता हूँ। तो चलिए, आज के जो प्रॉपर्टी होने वाली है वो बुद्ध विहार, जो बुद्ध विहार आप जानते हैं ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के लिए काफ़ी फेमस है, और बुद्ध विहार अपने आप में किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। घनी आबादी का क्षेत्र है और शर्मा जी की काटी हुई कॉलोनी यहाँ पर भी है, जैसे रमा विहार है। तो आज इसी क्षेत्र में 100 गज का एक 20x45 टू साइड ओपन का प्लॉट, 20 का फ्रंट है, 45 की गहराई है, टू साइड ओपन है। एक साइड आपको 20 फीट चौड़ी गली मिल जाती है, जो ठीक मेरे पीछे ये प्लॉट देख पा रहे होंगे दीवार के साथ साथ, और पीछे की मैं सबसे पहले आपको आबादी दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप देखें कि यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। घनी आबादी है, गली चौड़ी है, पीछे आपको एक स्कूल सामने नज़र आ रहा होगा, 12th तक का शायद विद्यासागर या विद्यासागर स्कूल करके है, ये स्कूल है सामने। और गली में घर काफ़ी बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, अच्छे अच्छे घर बने हुए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे एक चीज़ और बताऊंगा कि यहाँ पर फ्लोर सिस्टम भी है, यदि आप परचेज करते हैं तो फ्लोर भी बिकते हैं यहाँ पर। तो ठीक मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे कि अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। तो आप या तो इस जगह इस प्लॉट को खुद अपने लिए परचेज करना चाहें कर सकते हैं, या कोई भी बिल्डर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई डीलर भी संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर 4th फ्लोर तक नीचे यदि आप पार्किंग छोड़ते हैं तो 4 फ्लोर तो आप बना सकते हैं, और 100 गज के या 50 वो तो आपके अपने नक्शे के हिसाब से होगा। तो बिल्डर भाई भी इस प्लॉट को लेने की कोशिश करे तो आप मुझे फ़ोन पर संपर्क कीजिएगा, और जिस तरीके से आप चाहेंगे कि मतलब एक लाइजनिंग वर्क के हिसाब से या परचेज करना चाहें तो मिल बैठ के वो भी बात बन सकती है, और कोई इंडिविजुअल परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे मोबाइल पे, सपोज़ कभी कभी आप लोगों का आशीर्वाद इतना अच्छा है और ऊपर वाले की कृपा है, राधा रानी की कृपा है कि अपने पास कस्टमर एक अपॉइंटमेंट के हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग नाराज़ होते हैं कि सर मैं आ गया आप आए नहीं, क्योंकि आप जैसे कोई सज्जन भी हमारे प्लॉट पे देखने के लिए होते हैं तो थोड़ा समय का अभाव होता है और आपके लिए 10 मिनट 15 मिनट या कभी आधा घंटा भी वेट करना पड़ जाता है। तो एक अपॉइंटमेंट सिस्टम के हिसाब से चलता हूँ मैं कि आपको तकलीफ़ ना हो, आपको परेशानी ना उठानी पड़े, आपका समय बर्बाद ना हो। तो कृपया एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही मुझे अपना समय और डेट बता दें तो सब अवश्य ही आपको मैं समय दे पाऊंगा। तो ये प्लॉट जो गली वगैरह मैंने बता दिया, और इसको बिल्डर लोग भी ले सकते हैं या कोई इंडिविजुअल भी परचेज कर सकता है, सबके लिए ये प्लॉट उपलब्ध होगा। अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ से सुविधा की क्या क्या चीज़ें। देखिए, सीवर लाइन बिल्कुल ओके, वर्किंग कंडीशन में है, रनिंग है, बिजली पानी दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, मतलब पेयजल जो एक मीठा जल है जो दिल्ली सरकार की संस्था है दिल्ली जल बोर्ड, वो पानी यहाँ पर मिल जाएगा पीने को। सीवर की मैं बता दिया, पक्की गलियाँ हैं, स्कूल्स इस कॉलोनी में ही आपको 3-4 स्कूल नज़र आ जाते, 12वीं तक का स्कूल है, सरकारी स्कूल भी यहीं पास में है। यदि आप रोनी की तरफ देखें तो रोनी और सेक्टर 1 यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर पर आपको मिल जाता है, मतलब रोनी के टच में है। अब आपको मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो देखिए, मेट्रो स्टेशन यहां से थोड़ी सी दूरी है, आप अंदर अंदर इठाला भी जा सकते हैं बैटरी रिक्शा या अपनी व्हीकल से, तो वो करीब आपको यहां से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, या आप बस लेते हैं बस स्टैंड यहां से, मैं बस स्टैंड आप लिस्ट में देख रहे हैं कि ये सारी बसें यहां से निकलती है, तो बस आपको यहां से मिल जाएगी करीब करीब 150 मीटर पर ही बस स्टैंड है। तो बस यहां से आपको या तो आप चले जाएँ रोहनी वेस्ट के लिए बस ले लें, या मधुबन चौक के लिए ले लें,
या फिर कोहाट इंक्लेव वगैरह जहाँ भी आप जाना चाहें, बस पीरागढ़ी के लिए भी बस मिल जाएगी, पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन भी आप जा सकते हैं, जनकपुरी मेट्रो स्टेशन डिस्ट्रिक्ट सेंटर के लिए भी यहाँ से बसें उपलब्ध हैं। तो तीनों रूट पे जाने के लिए आपको एक लंबे रूट मेट्रो की सफ़र नहीं करनी पड़ेगी, आप बस लीजिए और उस तीनों रूट पे इजीली टच कर में आ सकते हैं। मैंने स्कूल की बात कर ली और सारी सुविधाओं की बात कर ली, अब आपको एक चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर स्कूल भी हो गया, हॉस्पिटल के स्वास्थ्य को लेकर, भगवान करे कि हम और आप कभी बीमार ही ना हो, स्वस्थ रहें, लेकिन फिर भी एक स्वास्थ्य को लेकर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो सरकारी अस्पताल यहां पर आपको मंगोलपुरी जो करीब करीब यहां से 3 किलोमीटर पे है, या आप देखें राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, वो करीब आपको 5 किलोमीटर मिल जाता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल है वो भी करीब 5 किलोमीटर पे है। तो 24 आवर यहाँ इवन ओला कैब भी यहाँ पर उपलब्ध है, मतलब ओला कैब भी यहाँ पर कहीं भी गलियों में मिल जाती है। तो 24 आवर्स आपको किसी तरह की ये दिक्कत नहीं होगी कि मैं ऐसी जगह पे ले लिया जहाँ डॉक्टर या हॉस्पिटल ना मिले, ऐसी कुछ नहीं है, यहाँ सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल जैसे रोनी है रोनी की तरह ही यहाँ भी मिल जाती है। अब आप देख पा रहे होंगे कि आबादी के हिसाब से, और ये प्लॉट रहा जो आपको ये दीवार के पीछे मैं दिखा रहा हूँ, ये प्लॉट है, पीछे की गली भी आपको देख मैं दिखा रहा हूँ, ये पीछे गली है जो 10 फीट चौड़ी गली है, तो इधर की गली होगी और एक ही 20 फीट चौड़ी गली होगी। मैंने फ्रंट बता दिया, सुविधाएं बता दी, एक सुविधा में चीज़ रह गई है जो गैस पाइपलाइन है, जो रसोई गैस, जो वो भी यहाँ पर आपको उपलब्ध मिल जाती। तो 4 चीज़ें दिल्ली में ही है, जैसे कि सीवर, बिजली, दिल्ली जल बोर्ड का पानी और फिर गैस। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर एकदम वर्किंग कंडीशन रनिंग में, मतलब ये नहीं कि वेट करना पड़ेगा जैसे कि अभी रामा विहार में वेट करना पड़ रहा है या जैन नगरी कुछ एरिया में वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आप आ जाइए और सारी चीज़ें एकदम यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध मिल जाएगी आपको। सामने आप देखें टीवी का मारुति का शोरूम भी आपको मिल जाएगा जो करीब 150 मीटर पर ही है, और मार्केट के मतलब जो आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। तो जरूरत की सारी चीजों का मतलब कि जो आपको दैनिक जीवन में जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें आपको यहीं पे लोकल मार्केट में उपलब्ध हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी चीजें जहां जो चीजें सुविधाएं यहां पर है या जो फैसिलिटी है उसके बारे में सारी चीजें बता दिया है। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें या आप व्हाट्सअप करें यदि मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाता हूं, क्योंकि कोई कस्टमर साथ बैठा होता है जो बहुत दूर से आया हुआ हो और उनको मैं समय नहीं दूं तो थोड़े से वो बुरा मान लेते हैं कि मैं भी, तो जैसे कि अभी एक मैम थी, रजनी मैम थी, वो मैंने पहले उन्हें 2 बजे का टाइम दिया, फिर उनका लेट हो गया, 5 बज गए, फिर इस हिसाब से कस्टमर कोई बीच में अपॉइंटमेंट में थे तो उनको लेके मैं बिजी था। तो मैम का कहना है कि सर मैं भी तो कस्टमर ही हूँ आपके, मैं कहा बिल्कुल आप भी मेरे कस्टमर हैं और गए कस्टमर ही भगवान होते हैं, लेकिन एक थी वो भी अपने समय से आ गई थी और मैं उसे दिखा रहा था तो लेट हो गया, तो मैम समय थोड़ा खराब हुआ जो भी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दूसरी बार भी मैम आने को तैयार हो गई हैं और वो प्लॉट देखेगी। तो चलिए ये सारी चीज़ें हैं, तो समय का अभाव होता है तो कभी फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, तो व्हाट्सएप पे आप प्लॉट के साइज लिखें, अपना शुभ नाम लिखें, मैं आपको जरूर संपर्क करूंगा, चाहे 10 मिनट करूं 20 मिनट में करूं, लेकिन आपको संपर्क जरूर करूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का, इस प्लॉट को यहीं पर मैं विराम देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि इस वर्ष आपका एक अपना घर हो, अपना प्लॉट हो, अपना फ्लोर हो, भगवान करे आपकी इच्छाएं पूरी हो। देखिए ये जो दीवार आप देख रहे हैं, मैं एक बैक कैमरे से, ये जो दीवार देख रही है ये यहाँ से लेकर के इस दीवार तक ये प्लॉट है जो आप देख पा रहे हैं, ये दीवार है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये 20 का फ्रंट मिलेगा आपको, ये थोड़ी दीवार दिख रही है 20 का फ्रंट है और 45 की गहराई है, तो 20 के फ्रंट और 45 की गहराई, ये 20 फीट गली, और ठीक आपके देखिए प्लॉट के सामने सीवर की सुविधा उपलब्ध है और घर अच्छे से बने हैं। ये पीछे आपको देख पा रहे होंगे कि ये 10 फीट की गली है जो मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा, ये 10 फीट की गली है पीछे जो दीवार आप बगीचा देख रहे हैं और आर पार गली है, तो ऐसी कुछ नहीं है कि मतलब वो गली आगे बंद हो, तो ये एक वेंटिलेशन के लिए है कि अच्छी वेंटिलेशन हो जाती है जब 2 साइड ओपन हो, और ये
ये सीधी आप निकल के राइट से ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल पे लेफ्ट में चले जाएं तो बस स्टैंड की तरफ भी आप चले जाएंगे। ठीक है, टक्कर पर सामने स्कूल है जो कोई सागर करके स्कूल है, तो आपको यहाँ 12वीं तक का स्कूल सीख इसी आपके प्लॉट से सामने वाली गली में है। मैंने जूम करके दिखाने के लिए ब्लू बोर्ड आप देख पा रहे होंगे और ये गली है। अब इस प्लॉट के मूल्य का मैं कहूँ तो 82,000 रुपये गज 82,000 स्क्वायर यार्ड 82 लाख का ये 100 गज का प्लॉट आपके लिए। आपने अपना जो बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया उसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ।